हेलो फ्रेंड्स, आवर टुडेज टॉपिक इज इक्विवेलेंट सर्किट एंड टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट सर्किट, देन वी विल सी द टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। सो बेसिकली टू टाइप ऑफ टेस्ट इज दैट इज अ नो लोड टेस्ट एंड ऑन लोड टेस्ट। ओके, एंड फर्स्ट इज इक्विवेलेंट सर्किट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इक्विवेलेंट सर्किट और वॉट यू मीन बाई द इक्विवेलेंट सर्किट। सो इक्विवेलेंट सर्किट यू हैव ऑलरेडी लर्न इन ट्रांसफार्मर। ओके, सो वॉट इज देयर इन द इक्विवेलेंट सर्किट। सो इन इक्विवेलेंट सर्किट वी आर रिप्रेजेंट दैट मशीन इन फॉर्म ऑफ सम पैरामीटर लाइक रजिस्टर और इंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल, लेट से वन वाइंडिंग इज देयर, वायर वाइंडिंग इज दैट। सो दैट वाइंडिंग इज नॉर्मली रिप्रेजेंट बाई इट्स रेजिस्टेंस एट इट्स इंडक्टर। सो इट्स डिफाइंड बाई आर एंड एल और एक्सएल। ओके, सो दिस विल शो द वाइंडिंग, मैथमेटिकली दिस विल शो द वाइंडिंग। ओके, आर एंड एक्सएल। ओके, सेम वे द इक्विवेलेंट सर्किट इज डिफाइंड। ओके, सो इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ मशीन, वी कैन से सिंपल वन। सो वाई इक्विवेलेंट सर्किट तो क्यों कर रहे हैं हम, तो टू सिंप्लीफाई द मशीन एंड टू नो द डिफरेंट पैरामीटर सच डिफरेंट पैरामीटर एंड द लॉसेस दैट अकर इन द मशीन। सो टू डिफाइंड और टू गेन द दैट नॉलेज ऑफ दैट पैरामीटर एंड द लॉसेस, वी सिंप्लीफाई द मशीन इन एज अ इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, सो अगर रोटर साइड है तो रोटर का रेजिस्टेंस है तो उसे हम R2 डिसाइड कर रहे हैं, एंड स्टेटर का रेजिस्टेंस है तो उसे R1, स्टेटर का इंडक्टर है तो उसे रिएक्टेंस है तो X1 से रोटर साइड इज R2, दैट इज अगेन वाइंडिंग रेजिस्टर। ओके, वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। ओके, अगर स्लिप है तो उसको इंडिकेट करेंगे। ओके, नो लोड करंट है तो हम बताएंगे I0। ओके, और लोडेड कंडीशन में जा रहा है तो I1 स्टेटर साइड है और रोटर साइड है तो इट्स I2 इज देयर। ओके, सो द बिहेवियर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वी नो। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द मशीन इन द फॉर्म ऑफ सम इक्विवेलेंट सर्किट। हर बार हम मशीन को ड्रॉ नहीं कर सकते कि भाई ये स्टेटर ड्रॉ किया, रोटर ड्रॉ किया, तो हम क्या कर रहे हैं उसकी इक्विवेलेंट सर्किट को हम ड्रॉ कर रहे हैं कि भाई अगर इंडक्शन मोटर का स्टेटर है सो दैट इज़ रिप्रेजेंट बाय R1 एंड X1, सो दैट वाइंडिंग इज कम, सो R1 एंड X1 दैट रिप्रेजेंट द स्टेटर, एंड इफ इट्स अ रोटर इज देयर देन R2 एंड X2 इज देयर। ओके, सो दैट विल रिप्रेजेंट द स्टेटर। ओके, सॉरी रोटर। सो इंडक्शन मोटर वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर, तो इसकी भी जो इक्विवेलेंट सर्किट है दैट इज रिमेन सेम एज अ ट्रांसफार्मर, वी कैन से ओनली स्पीड इज हियर। ओके, सो स्लिप कम इन द पिक्चर हियर। ट्रांसफार्मर है वो रोटेट नहीं हो रहा है खाली, और इंडक्शन मोटर है वो रोटेट हो रहा है, बाकी प्रिंसिपल दैट इज रिमेन सेम। इसमें उसमें जो प्राइमरी है इसमें ये स्टेटर है, इंडक्शन मोटर में वो स्टेटर आ रहा है, और ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी है वो इंडक्शन मोटर में क्या है, रोटर है। सो इफ वी सी द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर दैट इज रिमेन सेम एज अ मोस्टली रिमेन सेम एज अ ट्रांसफार्मर। ओके, खाली चेंज कहाँ आएगा, स्लिप यहाँ आएगी पिक्चर में। ओके, सो द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ मशीन प्रेजेंट वेरियस पैरामीटर ऑफ मशीन सच एज लॉसिस। ओके, बाय द इंडक्टर एंड रजिस्टर, वही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, पैरामीटर एंड द इफेक्ट ऑफ पैरामीटर ऑल्सो, बेसिकली दैट इज अ लॉसेस। ओके, द कॉपर लॉसेस आर अकर इन द वाइंडिंग, सो वाइंडिंग रेजिस्टेंस इज टेकन एज अकाउंट इन अकाउंट। ऑल्सो द वाइंडिंग हैज़ अ इंडक्टेंस फॉर द फॉर विच देर इज अ वोल्टेज ड्रॉप इन द इंडक्टिव रिएक्टेंस, सो टर्म्स all power factor come in the picture, obvious as frequency is here so power factor is here because reactance is there, so power come because Z is there. Okay, so power come power factor come in the picture, AC system is so power factor picture mein aayega, frequency is there. There are two type of equivalent circuit in case of three phase induction motor, so let's see how it look like. So here
you can see it's look like same as a transformer equivalent circuit. Okay, so here R1 is there, so this will represent the stator portion and this will represent the rotor side portion. Okay, so here R1, that is a rotor stator resistance, stator reactance current that is flowing from the stator side. Air gap is there, we can say air gap is there. Then this is the rotor parameter R2, rotor resistance. X2 is there, but it is not written, but X2 is there. Current flowing from that is I2. So slip come in the picture at that time, that is in the form of R2 plus S. External resistance is connected. Okay, slip ring induction motor is that. Okay, induced voltage in stator side that is E1 and induced voltage as a rotor side that is E2. Okay, so parameter name is given R1 rotor winding stator winding resistance, X1 stator winding reactance, R0. Now R0 is here, means that is a no load side component. So here no load current is, so I1 is stator current and I0 is no load current. Okay, so when load is not there, then obvious some current is there, and that current is known as a no load current. And no load current q flow rai, this is because of these two component I mu and IW, magnetizing component and a loss component. Ye do current flow ho gaye, and this is ye do q hote hai to energize the winding. Magnetic field generate karne ke liye ye kaam karega usme. Okay, so winding resistance and reactance is there. Okay, this is the thing when no load is there. Okay, agar load nahi hai to bhi ye aayega. Okay, so no load current is there jo transformer mein bhi tha. Okay, so R0 loss component, X0 obvious the magnetizing reactance of the windings, and R2 by S the power of the rotor, which include the output mechanical power and the copper losses of the rotor. So this is the equivalent circuit, we can say. Okay, see here I0 is the vector difference of these two, I mu square plus I W square. Okay, this is the vector difference of these two. This is the magnetizing current and this is the loss current, we can say. Okay, so hume finally I0 no load current milega. So if we draw the circuit with refer to the stator side, okay, then circuit will be like this. Okay, now think that in transformer we have defined the equivalent parameter with respect to stator side and with respect to the rotor side. So same thing is here. So एक ही सर्किट में अगर आपको दिखाना हो, लेट्स से कि अगर स्टेटर साइड से दिखाना हो, तो यहाँ से हमने रोटर साइड जो बीच में एयर गैप है वो निकाल दिया है. सो फाइनली भी अवर सर्किट भी लाइक दिस. तो R1 X1 तो स्टेटर साइड्स के हैं, वो हमें पता है I0 इज़ देयर, IW, IMU इज़ देयर, R0, X0 इज़ देयर. नाउ हियर, नाउ दिस इज द पैरामीटर ऑफ रोटर साइड, बट दैट इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटर साइड. तो स्टेटर इक्विवेलेंट सर्किट से हमने डिफाइंड किया हुआ है. सो नाउ हियर R2 डैश इज देयर. नाउ R2 डैश इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर इंटू R2, वेयर अल्फा टू वो रेशियो डिफाइंड करेगा, दैट इज रिलेटेड विद द स्टेटर साइड. ओके, तो एक ही सर्किट में हमें डिफाइंड किया कर दिया है. ये आप आइदर साइड भी यूज़ कर सकते हो. तो ये पैरामीटर यहाँ भी आ सकते हैं जब आप उसको रोटर साइड से कंसिडर कर रहे हो. ओके, सो हियर R2 इक्वल टू रोटर वाइंडिंग रेजिस्टर रिफर टू द स्टेटर, एंड X2 इज अ रोटर वाइंडिंग रिएक्टेंस रिफर टू द स्टेटर. सेम वे अगर आप स्टेटर को रोटर रिफर से बताना चाहते हो तो भी आप बता सकते हो. ओके, सो दैट इज द थिंग. तो एक ही अब सर्किट ये, यहाँ हमने देखा भाई यहाँ दो सर्किट्स थी, ये दो पैरामीटर इज द, यहाँ लाइन इक्विवेलेंट कंसिडर करोगे तो एक ही सर्किट कंसिडरेशन. तो दिस इज अगेन इंडक्शन मोटर एंड दिस ऑल्सो, सॉरी दिस इज अ इंडक्शन मोटर एंड दिस इज ऑल्सो इंडक्शन मोटर. ओके, सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर, वी कैन से. ओके, एंड अप्रोप्रिएट, इफ यू ड्रॉ द अप्रोप्रिएट इंडक्शन मोटर सर्किट, सो इट विल बी लाइक दिस. ओके, सो I1 स्टेटर करंट, देन नो लोड करंट इज देयर, IW इज देयर, IMU इज देयर, R0, X0, रोटर स्टेटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस,
then if we consider refer to stator side, then we have a rotor reactance refer to a stator and rotor resistance refer to the stator, and this is the thing when external rotor resistance is rotor is connected. Okay, so slip is connected when slip is there, when it is in the form of some running condition. Okay, so there are some standard equation for a induction motor. This we'll see in detail in next lecture. Okay, but here it's given that what is the power. Normally power of induction motor defined can have the P equal to 3VI1 stator current. Okay, cos phi is there. Okay, then V is your stator voltage and I1 is your current drop from the stator winding. Cos phi is a power factor. So this is the input power of induction motor. Then रोटर इनपुट क्या होगा, जो स्टेटर इनपुट आप दे रहे हो उसमें से अगर लॉस निकाल दें तो उसका रोटर इनपुट हो जाएगा. तो रोटर इनपुट क्या होगा, रोटर इनपुट इक्वल टू पावर इनपुट मीन स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर का लॉसेस निकाल दो. सो स्टेटर लॉसेस निकाल दोगे तो देन वी हैव अ रोटर करंट. तो रोटर कॉपर लॉस. रोटर कॉपर लॉसेस क्या होगा, पावर इनपुट जो रोटर को मिल रहा है, रोटर को इनपुट जो मिल रहा है, रोटर इनपुट पावर इनटू स्लिप. लॉस कब होगा रोटर में, जब वो रोटेट होगा. रोटेट होगा तो स्लिप कम इन द पिक्चर. ओके, सो स्लिप इनटू जो उसका रोटर इनपुट है, सो दैट विल डिसाइड द रोटर सी यू लॉसेस. ओके, जब स्लिप पड़ेगा तब उसमें लॉसेस बढ़ेंगे. एंड लास्टली वी हैव अ पावर डेवलप पावर एंड दैट इज इक्वल टू 1 - s इनटू रोटर इनपुट पावर बिकॉज शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द रोटर साइड. ओके, सो मैकेनिकल पावर दैट इज रिलेटेड विद द रोटर साइड. ओके, this equation we will see in detail. Okay, then we have a basically two type of test is there. One is a no load test and another is a on load test, means block rotor test. First is a no load test, means load is not connected. So this is the circuit diagram, we can say, or block diagram for the induction motor no load test condition. Okay, so supply is given, induction motor is there, two wattmeter is connected, one ammeter is there and one voltmeter is there. This will indicate the voltage, this will indicate the current, and this will show the power of three phase supply. Okay, when and this is our load. Now the motor is in the no load condition, means at the shaft side no load is there. Okay, कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है. एंड नाउ सप्लाई इज गिवन. सो वॉट विल हैपन. ओके, सो एट सप्लाई इज गिवन सम करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस है. सो दैट विल कंसिडर एज अ नो लोड करंट एट ऑल दैट्स. ओके, सो द टेस्ट इज सिमिलर टू द ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर. हमने ट्रांसफार्मर का ओपन टेस्ट किया हुआ है. उसमें क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी साइड वाइंडिंग इज रिमेन ओपन. ओके, कोई लोड कनेक्ट नहीं कर रहे हैं उसमें. तो सेम थिंग इज हियर, यहाँ रोटर साइड हम कोई लोड कनेक्ट नहीं कर रहे हैं. ओके, so what will happen when the motor run at no load, the total input power equal to the constant iron loss, frictional loss and windage loss of the motor. That means by this method we can calculate the constant losses of induction motor. Load connected nahi hai to copper loss kam hoga, to losses kya badhega, jo bachega wo hai constant copper loss, core loss. Core loss hi hoga, aur rotate ho raha hai to friction loss come in the picture. ओके, सो नो लोड टेस्ट ये लॉसेस जानने के लिए हम कर रहे हैं. कौन से, इसमें कॉपर लॉस नहीं होगा, निग्लिजिबल होगा क्योंकि लोड इज़ नॉट देयर. ओके, ड्रॉन करंट कम ड्रॉ करेगा. तो बाकी कौन से लॉस हो से, तो उसमें हो गए एक आयरन लॉस होगा, एक फ्रिक्शन लॉस, एक विंडेज लॉस, ये लॉसेस हो गए. ओके, सो इन दिस टेस्ट मोटर रन एट नो लोड मीन्स इट इज़ अनकपल्ड फ्रॉम द मैकेनिकल लोड. ओके, मोटर स्टार्टर इज स्टेटर इज सप्लाइड विद सम वोल्टेज. द इनपुट पावर इज मेजर बाय टू वॉटमीटर मेथड. द ए मीटर मेजर द करंट एंड वोल्टमीटर ऑब्वियस मेजर द वोल्टेज. नाउ इन नो लोड करंट इज अबाउट द 50% ऑफ द फुल लोड करंट. सो ड्यू टू द ऑब्वियस एयर गैप इज देयर, सो द स्टेटर कॉपर लॉसेज एट नो लोड नीड टू बी अकाउंटेड. तो स्टेटर लॉस हम थोड़ा कंसिडर कर रहे हैं कॉपर लॉस. रोटर साइड तो लोड है नहीं, तो उसमें वाइंडिंग में
लॉसेस कम हो गए. सो नाउ द कॉन्स्टेंट लॉसेस इज पी इनपुट प्लस पी कॉपर. स्टेटर साइड के लॉसेस हमने कंसिडर किए हुए एंड दैट विल इंडिकेट बाई दिस टू वॉट मीटर मैथड. ओके, तो वॉट मीटर एक वन एक लॉस इंडिकेट करेगा एंड वॉट मीटर टू एक लॉस इंडिकेट करेगा. इन दोनों का सम लेंगे तो दैट विल गिव द डायरेक्ट टोटल लॉसेज एंड दिस नो लोड लॉसेज ऑफ द इंडक्शन मोटर. ओके, सम ऑफ दिस टू. जनरली द पावर फैक्टर ऑफ द इंडक्शन मोटर अंडर नो लोड कंडीशन इज लेस देन 0.5. ऑब्वियस इज आई एम पी वन वी कैन से. अगर इंडक्शन मोटर लोडेड नहीं है तो उसके पावर फैक्टर कम होगा. ओके, एट दैट टाइम वन वॉट मीटर शो सम नेगेटिव रीडिंग आफ्टर रिवर्सिंग द टर्मिनल करंट. ओ ऑब्वियस. ओके, तो इन नो लोड टेस्ट कौन से पैरामीटर हम कैलकुलेट कर रहे हैं? वी जीरो लाइन वोल्टेज, आई जीरो जीरो दैट इज इंडिकेट नो लोड. ओके, नो लोड. ओके, जीरो लोड. ओके, कॉपर लॉस आई सॉरी आयरन लॉस, कोल लॉस, कॉपर लॉस एंड फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस इज दैट बिकॉज रोटेशन इज दैट. सो पी वन पी टू विल कैलक्युलेट ऑल द रीडिंग्स. सो फाइनली वी हैव पी वन प्लस पी टू एंड दैट इज इक्वल टू रूट थ्री वी जीरो आई जीरो कॉस फाइव जीरो. सो अकॉर्डिंगली दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द पावर फैक्टर पी वन प्लस पी टू वी जीरो आई जीरो. ओके, नाउ नो लोड जो करंट है वो क्या है? नो लोड करंट इज अ वैक्टर सम ऑफ दिस टू. और उसमें आई जीरो क्या है? आई जीरो आई म्यू क्या है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट. आई जीरो साइन फाइव जीरो एंड आई डब्ल्यू वॉट लॉस कंपोनेंट दैट इज आई जीरो कॉस फाइव जीरो. वेयर आर जीरो इक्वल टू वी जीरो ऑब्वियसली नो लोड रेजिस्टेंस वी जीरो अपॉन आई म्यू एंड एक्स जीरो इक्वल वी जीरो ऑन आई म्यू. एक्स जीरो इक्वल टू वी जीरो अपॉन आई म्यू एंड आर जीरो इक्वल टू वी जीरो अपॉन आई म्यू. सो दिस इज द पैरामीटर यू हैव टू कैलकुलेट व्हेन यू परफॉर्म द नो लोड टेस्ट. ओके, एंड फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड द मशीन बिहेवियर. पावर फैक्टर यू हैव, पावर यू हैव, इनपुट यू हैव, यू कैन फाइंड ऑल्सो द एफिशियंसी ऑफ द मशीन एंड नो एट नो लोड. ओके, देन वी हैव अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट. अभी था पहले हमने पढ़ा नो लोड मीन्स ओपन सर्किट, कोई लोड लगाया नहीं मीन्स सर्किट को ओपन रख रहे हैं. अब लोडेड कंडीशन में ले ले रहे तो दूसरा वर्ड है उसका शॉर्ट सर्किट और अनदर वर्ड इज ब्लॉक रोटर है. अब रोटर पे लोड लगा रहे मीन्स रोटर को ब्लॉक कर रहे हैं. ओके, बाय सम मेथड. सो एज द नेम ऑफ द टेस्ट स्पेसिफाई रोटर इन ऑफ द इंडक्शन मोटर इज ब्लॉक्ड बाय सम एक्सटर्नल मीन्स. सो इट्स अ सो इट कैन नॉट रोटेट. अब रोटर रोटेट नहीं हो रहा है क्योंकि लोड हमने बढ़ा दिया है. लेट्स सी, इट विल ट्राई टू रोटेट बट अगर ब्लॉक कर रहे हैं तो वो रोटेट नहीं होगा. दैट मीन्स लोड इज मैक्सिमम, वी कैन से मैक्सिमम लोड हम लगा रहे हैं. द ब्लॉक रोटर टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर. ऑब्वियस ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो रहा है इंडक्शन ट्रांसफार्मर का वही है. ओके, तो सर्किट विल बी लाइक दिस सेम एज नो लोड पर हियर रोटर इज ब्लॉक. यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, लोड इज देयर. ब्लॉक मीन्स लोड इज देयर. ओके, सो इन ब्लॉक रोटर टेस्ट नाउ लोड इज देयर. सो ऑब्वियस कॉपर लॉस विल बी देयर बिकॉज करंट ड्रॉन मैक्सिमम, वी कैन से मैक्सिमम करंट इज देयर. ओके, सो रोटर कॉपर लॉसेज इज देयर एंड स्टेटर कोर लॉसेज इज बी देयर. ओके, सो इसमें पावर जो इनपुट लॉस पावर है दैट विल बी अ स्टेटर कॉपर लॉस एंड रोटर कॉपर लॉस and that will indicate by the 2 watt meter we can say. Okay, so minor voltage is applied we can say 10 to 15 volt and it will be drawn the maximum current as same as the transformer load test. Okay, short circuit test of transformer. So this is same as a transformer short circuit test. Okay, so here we can say in block rotor test or short circuit test or load test you have to find the different parameter as we have calculated as in no load condition. Same thing we have a loaded condition, so we have a P1 P2 wattmeter reading, then you can directly find the power root 3 VS IS cos 5. From that you can find the power factor also. Okay, now here current which flow through the circuit that is a short circuit current, we can say short हो रहा है पुश उसको लोडेड कर रहे हैं. सो समटाइम इज आई एस सी इन सम बुक इट्स गिवन आई एस शॉर्ट सर्किट करंट इज देयर. ओके,
So and R01, that is a rotor resistance, we can say per phase equivalent resistance. Sorry, one is there, so stator resistance is there. So that is given by this equation, P1 plus P2 divided by 3 I square. Okay, so is nothing but P upon I square, we can say. Okay, resistance ki value hum find out kare, power by current square. Okay, because power is nothing, P equal to I square R. तो R इक्वल टू P अपॉन I स्क्वेयर हो जाएगा. R इक्वल टू P अपॉन I स्क्वेयर. पावर क्या है यहाँ, पावर P1 प्लस P2 है. तो P1 प्लस P2 I क्या हुआ है, करंट जो फ्लो हो रहा है, एंड थ्री फेज सिस्टम इज दैट, दैट्स व्हाई थ्री इज़ देयर. ओके, सो स्टेटर रेजिस्टेंस इज देयर, अकॉर्डिंगली वी हैव अ इम्पीडेंस इज ऑल्सो देयर. ओके, एंड फाइनली वी कैन फाइंड द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट. ओके, सो दिस थिंग वी कैन फाइंड फ्रॉम द टेस्ट. You have to find all the parameters by performing the test. Okay, so I hope you are clear with this test, and this will we will see in a laboratory in detail how we will calculate all the parameter and how the performance is there. Okay, so the in detail we will see in laboratory session. Okay, so it's a no load test. Okay, so I think we have clear with the equivalent circuit, then no load test and block rotor test of the induction button, and that you have to explain in the assignment. Okay, so I hope you have clear with that. Thank you.